अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओए क्या कह रही हो तुम? हाँ जी पैर पड़ रहे थे। अरे हम पति है, कोई भगवान थोड़ी है जो पैर पड़ रहे हो। गले लगो ना तुम, अच्छा वो लगता है। मोहन जी, आप हमारे पति से पहले हमारे भगवान हैं। राधा, तुमने हमेशा मुझसे इतना प्यार किया, मुझे इतना प्यार दिया, और बदले में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमने हमेशा मेरा भला चाहा और मैंने तुम्हारे साथ ही गलत किया। नहीं, तुम मेरी परेशानियों को अपनी परेशानी बना देती थी और मैं तुम्हें अपनी परेशानी समझता था। नहीं, वो शादी के वचन लेकर भी मैंने तुम्हें कितना परेशान किया। बहुत शौक था ना राधामोहन त्रिवेदी बनने का, बहुत शौक था ना पहली रसोई बनाने का। मैं देखता हूं पहली रसोई कैसे बनाती हो तुम। कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ मोहन जी। आपके दिए हुए हर दुख में भी ना हमें सुख मिला है। आप नहीं तो हम भी नहीं। क्यों रही हो? रोना नहीं, रोना नहीं। नहीं बस, क्या कर रही हो तुम? रोने होने के दिन गए, अब से रोमांस के दिन शुरू हो। आज से हमारी लव स्टोरी शुरू होगी, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। और अब ना मैं बाकी बिहारी जी के जन्म के इस जगह को साक्षी मांग करना, मैं शादी के वो सारे वचन वापस लेता हूं। मैं प्यार के नए वचन देता हूं। पहला वचन, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी आए, कितने भी दुख दर्द आए ना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं शादी करके तुम्हें पछताने के सारे मौके दूंगा। दूसरा वचन, तुम हमेशा मेरे आगे रहोगी। जैसे बाकी बिहारी जी को राधा रानी के नाम से जानते हैं ना, वैसे तुम्हारा नाम मेरे नाम के आगे होगा। राधा मोहन, तो मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। वचन नंबर 3, कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम पर भरोसा करूंगा, जिंदगी में ना विश्वास का टूट रिश्ता रहेगा हमारा।
मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर करूंगा। वचन नंबर 4, तुम्हारा सम्मान मेरा सम्मान, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान। तुम जो कुछ भी कहोगी ना, मैं उसका उल्टा करूंगा। जिस भी चीज से तुम्हें डर है ना, मैं वही करूंगा। वचन नंबर 5, आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे और मेरा सारा सुख तुम्हारा। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा ना कि तुम मुझसे भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। छठा वचन, भले ही तुम मेरा पहला प्यार नहीं बन सकी, पर तुम मेरा आखिरी प्यार बनोगी। मरते दम तक ना मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। तुम प्यार का एक शब्द सुनने के लिए तरस जाओगे, लेकिन मुझसे मिलेगी तुम्हें सिर्फ नफरत। और 7वां वचन, जो हो जाए मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मौत भी आ जाए ना तो भी हंसते हंसते उसे गले लगा लो। मौन जी, ये जो आखिरी वचन है इसे वापस लीजिए। आपसे पहले हम ही जाएंगे। वापस लीजिए मतलब कैसे वापस लीजिए? जैसे वचन दिया है वैसे ही वापस ले लीजिए ना। अच्छा तुम मेरी बात सुनो। नहीं, हम कोई बात नहीं सुनेंगे। पहले ये वाला वचन वापस लीजिए, आपसे पहले हम जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो। पर आप कोई बात नहीं सुनना चाहते। मौन जी वापस लीजिए, वरना हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, कभी भी आपसे बात नहीं करेंगे। क्या वचन वापस लेना है? पर तुम मेरी बात सुनो। कुछ नहीं मोहन जी, बचपन से आपकी पूजा करते रहे, बाकी भी जिससे जीवन भर आपका साथ मांग रहे हो, और आप हमें छोड़कर चले जाने की बात कर रहे हो। हम कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं, वचन वापस लीजिए, हम आपको नहीं छोड़ सकते। मोहन जी, हम कैसे किसे बोल सकते? वचन वापस लीजिए ना मोहन जी, मोहन जी वापस लीजिए ना। मम्मा रुक, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।